अगर आप स्कूल गोइंग किड हैं या फिर आप उनके गार्जियन हैं, तो आपके मन में ना एक सवाल तो हमेशा रहता ही होगा कि भाई कौन सी पढ़ाई बच्चे को करानी चाहिए, कौन सी वाली जो डिग्री है वो अफोर्डेबल है, कौन सी डिग्री सबसे ज्यादा महंगी है, कौन सी डिग्री करने पर हमें करियर के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आता है ना ये सवाल, तो आपके मेरे हम सभी के मन में जरूर आता है। ठीक, तो आज ना आपके इस सवाल का आंसर देने के लिए मैं ये खास तौर पर वीडियो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि देश में सबसे महंगी डिग्रियां कौन सी हैं, यानी कि कौन सी वाली पढ़ाई सबसे ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो महंगी डिग्री की लिस्ट में ना सबसे पहला नाम आता है मेडिकल की डिग्री का। देखिए, अगर आप भारत में मेडिकल की पढ़ाई अगर सरकारी कॉलेज के मुकाबले प्राइवेट कॉलेज से करते हैं ना, तो उसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्च आ सकता है। उसके बाद दूसरी हम सबसे महंगी डिग्री की बात करें तो वो इंजीनियरिंग है। चाहे आप IIT की बात कर ले, NIT की बात कर ले, या फिर बात कर ले IIIT की, या फिर बात कर लीजिए प्राइवेट कॉलेज की, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है ना वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा महंगी है। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको ट्यूशन फीस 10 लाख तक देनी पड़ सकती है। उसके बाद जो तीसरी सबसे महंगी डिग्री मानी जाती है वो है बिजनेस डिग्री। देखिए, MBA जितना पॉपुलर है ना उतना महंगा भी है। तो अगर आप किसी अच्छे संस्थान से MBA करना चाहते हैं और चाहते हैं कि करियर आपका बहुत अच्छा हो, तो आपको 35 लाख से 40 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उसके बाद चौथी जो महंगी डिग्री है वो है लॉ डिग्री। देखिए, लॉ डिग्री ना किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, लॉ डिग्री आप अगर करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख से 15 लाख रुपए तक देने होते हैं, यानी ये आपकी फीस होती है। लॉ करने के बाद आप जानते ही हैं आपका करियर तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ ही सोसाइटी में जो आपकी रेपुटेशन है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इस लिस्ट में बारी आती है एविएशन कोर्सेज की। तो अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं, यानी कि आप पायलट बनना चाहते हैं या फिर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो एविएशन कोर्सेज के लिए आपको मिनिमम 5 लाख से 20 लाख तक का खर्च आ सकता है, यानी कि ये भी एक्सपेंसिव डिग्रीज में शामिल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिजाइनिंग में डिग्री के बारे में। देखिए, डिजाइनिंग जितना अट्रैक्टिव है ना उतना ही जेब के लिए थोड़ा सा खर्चीला भी है। अगर आप डिजाइनिंग की पढ़ाई करते हैं, डिजाइनिंग की डिग्री लेते हैं, तो आपको करीब 15 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। उसके बाद अगली बारी है मीडिया डिग्री की। देखिए, टीवी में आना, अखबारों में नाम अपना देखना और रेडियो पर बोलना, ये तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो अगर आपको मीडिया में करियर बनाना है, पत्रकारिता करना है, तो आपको 50,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। 50,000 मिनिमम है और 20 लाख तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा महंगी डिग्रीज की लिस्ट में आती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही ये भी बताइए कि आप इसमें से कौन सी वाली डिग्री के बारे में जानते थे। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।